नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक के बारे में। हाँ जी दोस्तों, पर उससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसको और भी अच्छे समझने के लिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे अपने प्रिंटिंग के बारे में। तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो प्रिंटिंग टेक्निक जो है वो हमारे पास जब नहीं थी तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कोई भी हमें अपनी डॉक्यूमेंट जो है वो अगर हमें सेफ रखना है तो वहाँ भी हमें दिक्कत आ रही थी। अभी जो काम है वो हमारे प्रिंटर ने बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया है। और अभी हम क्या करते हैं, प्रिंटर की हेल्प से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपना संभाल के रख सकते हैं बिना टाइम को अपने बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों यहाँ पे और एक आविष्कार के बारे में हम बात करेंगे जो कि है बायो प्रिंटर। दोस्तों ये जो बायो प्रिंटिंग है वो टेक्निक आई कैसे? हाँ जी, यहाँ पे चार्ल्स वॉल ने क्या किया था, 3D प्रिंटर की यहाँ पे इन्वेंशन कर दी थी। तो दोस्तों ये जो साइंटिस्ट है बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनका जो इंटरेस्ट है वो साइंस में बहुत ज्यादा होता है और इसी के कारण उन्होंने एक इन्वेंशन कर दी जो कि है 3D प्रिंटर। दोस्तों यहाँ पे हमारा 3D प्रिंटर आ चुका है और अब इसके आगे की इन्वेंशन होती है हमारी बायो प्रिंटिंग की। दोस्तों बायो प्रिंटिंग मतलब कि हम कुछ ऐसी प्रिंटिंग करने वाले हैं जो कि हमारे लिविंग सेल्स है, क्योंकि दोस्तों 1830 में बताया गया था कि हमारी जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है, सेल के बिना हम कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बायो प्रिंटर का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो अगर यहाँ पे हम प्रिंटिंग और बायो प्रिंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो प्रिंटर की है उसका जो मटेरियल होता है वो दूसरा होता है, हमारा जो बायो प्रिंटिंग है बायो प्रिंटर है उसका जो मटेरियल होता है वो दूसरा होता है। सिंपल सी बात है, जो हमारा प्रिंटर में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो नॉन बायोलॉजिकल है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गई और हमारे सिरेमिक्स हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर की बात करें तो ये आर्ट और डिजाइनिंग में काम आता है, हमारे प्रोटोटाइपिंग में काम आता है। और हम अगर बात करें बायो प्रिंटर के बारे में तो यहाँ पे हमारे कुछ लिविंग सेल्स आने वाली हैं। दोस्तों बायो प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको समझ के आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि ये इतनी अच्छी टेक्निक की इन्वेंशन हो चुकी है। दोस्तों बायो प्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा एक एडवांस टेक्निक है और यहाँ पे रिसर्चर बहुत ही ज्यादा जुटे हुए हैं उसके इसके ऊपर काम करने में। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी हमें सक्सेस मिल भी चुकी है। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा बायो प्रिंटिंग के बारे में और समझे तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि बायो प्रिंटिंग जरूरी क्यों है। दोस्तों जैसे कि हम जल जाते हैं, हमारा कोई भी पार्ट जल जाता है तो पहले क्या होता था, हमारी जो स्किन है वो कहीं और से वहां पे प्लेस की जाती थी। बट बायो प्रिंटिंग यहाँ पे क्या करने वाली है, बायो प्रिंटिंग में क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा बायो प्रिंटर है वो उन सेल्स को बना देता है और उसकी वजह से क्या होता है, हम अपने अदर पार्ट से ना लेके सिंपल हम वहां से वो सेल्स ले सकते हैं, टिश्यू ले सकते हैं और अपने जले हुए या फिर कटे हुए जगह पे उसको प्लेस करा सकते हैं। दोस्तों आप खुद ही देखिए टेक्निक कितनी अच्छी टेक्निक है। और दोस्तों इसकी बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप खुद भी देख रहे होंगे अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो आप खुद भी देखिए ये कितना कॉस्टली पड़ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर कॉस्ट को भी ना देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमें थोड़ी सक्सेस नहीं मिली है, बट हमें जल्द ही सक्सेस मिलने वाली है। और यहाँ पे हमारा जो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने में वो बहुत इजी होने वाला है। दोस्तों हमें किसी की नीड ही नहीं होगी कि हम किसी बंदे को ढूंढे और फिर उसके जो ऑर्गन्स है उसको फिट कराएं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसकी सक्सेस के बारे में बात करें तो बायो प्रिंटर ने हमें ऑर्गन मॉडल दे दिए हैं और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑर्गन मॉडल बना है वहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, ड्रग कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। सपोज कोई भी नई ड्रग बनती है तो हम पहले क्या करते हैं, उसको एनिमल पे टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम ह्यूमन पे करते हैं। बट दोस्तों अभी क्या होगा, ये जो ड्रग है, जो नई नई जो दवाइयाँ बनती हैं वो हमें एनिमल पे यूज करने की जरूरत ना पड़े, सीधा ही हम अपने ऑर्गन पे करेंगे और हम फिर इसको डायरेक्ट ले भी सकते हैं। और अगर हम इसकी और बात करें तो दोस्तों ये हमारे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी हेल्प कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती हैं तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट स्पेसिफिक
हम मेडिसिन बना सकते हैं और हम पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अभी क्या है, हमारे साइंस फील्ड में सिर्फ मेडिसिन अवेलेबल है, पेशेंट स्पेसिफिक टैबलेट और मेडिसिन नहीं है अभी तक। दोस्तों फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है वो अभी की नहीं है, ये है तो बहुत पुरानी, बट इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी चल रही है और हो भी चुकी है। बट क्योंकि अभी रिसर्च यहाँ पे चल रही है तो इसका मतलब अभी भी हमें वो अचीवमेंट नहीं प्राप्त हुई है जो कि हमें चाहिए। 1983 से ये टेक्निक हमारी जो है चलती आ रही है और अभी तक हमें काफी सारी अचीवमेंट मिल भी चुकी है। जैसे कि हम अभी बोन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हम स्किन ग्राफ्टिंग बहुत इजी से कर सकते हैं और अभी हमें अपने ऑर्गन मॉडल भी बन चुके हैं जिस पे हम अपने ड्रग डिस्कवरी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक में यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको साइंस की अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए नमस्कार।